मिसयूज करना, जहां किसी और का पैसा होता है आदमी उस पैसे का मिसयूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ आपको, एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ आपको एक आर्टिकल। हाँ सर, हम है एक आर्टिकल, हम ये एक आर्टिकल जाते हैं ऑडिट करने। हम जैसे ऑडिट करने जाएंगे और क्लाइंट हमको बोलेगा आज का लंच आप अपने हिसाब से जहां करना चाहते हो कर लो, आज का लंच आप जहां करना चाहते हो कर लो, जो भी खर्चा होगा मैं आपको रिइंबर्स कर दूंगा, जो भी खर्चा होगा मैं आपको रिइंबर्स कर दूंगा। आप गए एक बढ़िया से होटल में, आपने स्टार्टर मंगाया, स्टार्टर में आपने क्या मंगाया, वेज वालों ने पनीर टिक्का, नॉन वेज वालों ने चिकन टिक्का। उसके बाद स्टार्टर के बाद आपने सूप भी मंगाया, आप सूप भी पीते, फिर आपने बढ़िया की ग्रीन सैलेड की प्लेट मंगाई, और फिर आपने बढ़िया किया सर, आपने लिए फुल फ्लैश ब्रेक फिक्स। इस बार आपने बटर रोटी नहीं खाई, आपने मंगवाया क्या सर, आपने मंगाया कौन सी होती बेस्ट वाली ब्रेड, पुदीना पराठा, आपने मंगाया पुदीना पराठा, लच्छा पराठा मंगाया। उसके साथ आपने मंगाया एक प्लेट शाही पनीर, एक प्लेट दाल मखनी। तो आज आप खाने वाले, सब आज आप खाने वाले हो, और जहां आपका ये सब आ गया, आपने कहा ऐसे कैसे खाएंगे, आप हमको एक मिक्स वेज रायता भी लगे, बढ़िया एकदम बढ़िया जीरे का तड़का वड़का लगा के आप एक मिक्स वेज रायता लगा दो, और फिर उस रायते के बाद भी आपका मन नहीं भरा, आपने कहा मैं खाऊंगा एक वनीला आइसक्रीम और गुलाब जामुन, गुलाब जामुन, और अगर गाजर का हलवा है तो वो भी लेके आ, तो मैं कहता हूं सिंपल सी बात है, आपने सारी चीजें मंगा ली। अब सोचो क्लाइंट अगर आपको बोलता मैं पैसे रिइंबर्स नहीं करूंगा, अगर क्लाइंट आपको बोलता है मैं पैसे रिइंबर्स नहीं करूंगा, तो क्या आप इतनी चीजें खाते अपने लंच के? श्री खुश होगी, श्री का भी मंदिर लगेगा इसको। मुझे एक बात बताओ, अगर क्लाइंट आपको बोलता कि मैं आपके सारे पैसे रिइंबर्स नहीं करूंगा, तो क्या आप इतनी मसालेदार मजेदार चीजें मंगाते, इतनी सारी चीजें खाने में मंगाते, जल्दी से बताओ, वुड यू हैव ऑर्डर्ड दिस? द आंसर इज नो, क्योंकि जहां दूसरे का पैसा इन्वॉल्व होता है आप उसको मिसयूज करते हो, जहां दूसरे का पैसा इन्वॉल्व होता है आप उसको मिसयूज करते हो। दिस इज द टेंडेंसी, दिस इज द ह्यूमन नेचर। इसी वजह से पीएसयू ऑडिट कराया गया। पीएसयू ऑडिट में उनका काम सिर्फ ये देखना नहीं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक से बने, नारे बाबा ना, इट इज नॉट